हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। पहुंच गई मैं ओरछा मंदिर घूमने के लिए फैमिली के साथ, और ये है मेरे ब्लॉग का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देख लिया है कि हमारे दर्शन वगैरह सब अच्छे से हो गए हैं, और ये है सेकंड मंदिर जो है चतुर्भुजी मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं, अब यहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं। और मैं फर्स्ट टाइम ओरछा आई हुई थी, इससे पहले मेरे फैमिली वाले सब आ चुके हैं, बट मैं फर्स्ट टाइम आई थी। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, एंड आज के दिन हम लोगों ने खूब इंजॉय किया क्योंकि आज था मेरा बर्थडे, तो खूब सारा इंजॉय किया। एंड आप लोगों ने ढेर सारे प्यारे प्यारे जो मुझे ब्लेसिंग दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए एंड अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, इस ब्लॉग को भी प्यार देना। एंड चलिए चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ये है अंदर जो मंदिर घुमा है ना, ये अंदर से है, एंड ये यहाँ से अब बाहर निकलेंगे। और ये देखो आगे क्या चल रहा है, इन लोगों का फोटो सेशन, जीजा साले का फोटो सेशन। पूरा पत्थर का है, डिजाइन देखो कितना शानदार है। नेक्स्ट मंदिर सामने का व्यू दिखा रहा, सामने में किला है ना, ये रानी का महल है। हाँ, वो रानी का महल है सामने में, और यहाँ से ना बहुत सुंदर व्यू दिख रहा है। पूरा तो नहीं बट हाँ ठीक है। बिल्कुल सही साथ आया है, गले में आ जाएगा। दिखाना दिखाना मनीष, दीजिए लगवा लो, अच्छा लगेगा। मेरे गाल भी बना कलर उसको 10 रुपए दे दे गाल पे इसके। ए, राम नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये राम वाला कर दो। दिखा ना बाबू, बस दिखाओ। ए उल्टा लगा दिया, सीधा ये वाले गाल पे दिखाओ बाबू। देखो भाई, हम सब लोगों ने ये बनवा ली है, सैया से दोनों तरफ मेरे हाथ पे लगा था तो इधर लग गया है। हाय, तो अभी हम लोग जा रहे हैं महल, ये महल ही है ना, महल है, महल है, महल जा रहे हैं। महल नहीं तो क्या, कमला कमलापति का तो बोला कौन सा महल है। महल घूमने जा रहे हैं अंदर, एंड वो जो मंदिर घूम के आए थे वो सामने का। ये देखो पहले का जो दरवाजा होगा ना, वो लगा होगा कैसे, किस टाइप के बनते थे पहले के दरवाजे, इतने नुकीले। हाँ, चेन नहीं है बेटा, वो कुंडी है, ऐसे कुंडी लगती थी। और ये देखो कितना नुकीला है दरवाजा। चलो अब चलते हैं अंदर। राजा महल, इस साइड राजा महल है। क्या नल पानी, ओके बाबू को प्यास लगी हुई है। ये इस साइड में राजा महल है, और इस साइड पता नहीं, जाके देखते हैं क्या है। तो ये है महल, इसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो रहे हैं। ये होटल है, यहाँ होटल सीस महल,
और बाकी का ये व्यू दिख रहा है यहाँ का कुछ। मंदिर घूम लिया, अब जा रहे हैं हम अपनी गाड़ी के पास। एंड भूख भी बहुत लगाई, सोच रहे कुछ खाएंगे यहाँ का, कुछ फ्राई करेंगे एंड थोड़ा सा उसके बाद घर चलेंगे। रुदान ने जैसी भी ले ली, मम्मी ने मुझे कड़े दिला दिए। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए सौरभ को पार्टी चाहिए बर्थडे की, तो बर्थडे मेरा है, पार्टी इसके लिए आज देंगे, सौरभ खाएगी सबकी भी जुगाड़ लगी, सबकी छत वाली हम लोग खाएंगे खाना। हम लोगों ने ऑर्डर दे दिए हैं, अभी आएगा। क्या हुआ पापा? दे मुझे पापा दे। क्या लिखा है? राम। सब लोगों ने ना लिखवा लिया था, मेरा तो छूट गया है, त्रिशूल बना हुआ था सबके बिल सही है, तो जहाँ दोनों गालों पे यहाँ आया सब सबने लिखवा लिया था, मम्मी का भी लिखा। मलाई कोफ्ता, ये मटर पनीर और ये दाल तड़का। लोगों ने खाना खा लिया है और सब लोग खाना खाने के बाद सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। ये देखो सारे के सारे लोग आइसक्रीम खा रहे हैं खाना खाने के बाद। सबने इतनी इतनी तीखी वाली दाल मंगाई थी, इतनी तीखी वाली दाल मंगाई थी ना, सबके खाने से धुआं निकल गया है ना। अब उसके बाद मैं सब लोगों के लिए आइसक्रीम मंगाई थोड़ा सा तीखा कम करने के लिए। चलो अब बस चलते हैं हम घर। आज की पार्टी मेरी तरफ से। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ जो ही ले ले। अरे मेरे पास पिंक बहुत लग रहा है। ये भी अच्छा लग रहा है, पता है प्रियंका दीदी ये आपके पास कलर भी नहीं है वो। ये भी अच्छा है ना, पहले वाला अच्छा लग रहा है। मेरे पास पिंक कलर हो गया काफी। ये वाला भी अच्छा लगेगा, ये वाला ठीक है, ये वाला भी ठीक है, यही ले लेते हैं। हाँ ये ले लो। सेहरा दानिश को कपड़े दे ले दिए हैं, ये पैंट, ये टी शर्ट। पति देव ने ये मुझे सूट दिलाया, मम्मी ने दिलाया, मम्मी ने दानिश को भी शॉपिंग करवाई, हमने ढेर सारी शॉपिंग कर ली एंड मेरे को बर्थडे गिफ्ट में लगाए हैं दो दो सूट। आज हमने खूब सारी शॉपिंग कर ली। रोड इतनी ज्यादा खराब है, पूरा हिल्डर जाते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं, पहुँचने वाले हैं घर, पहुँचे नहीं है मतलब पहुँचने वाले हैं घर। ढेर सारी शॉपिंग, ढेर सारा घूमा, ढेर सारा खाया पिया, ढेर सारी मस्ती की। ये गेट के अंदर एंट्री, बस हो गया हमारा बर्थडे वाला पूरा निकल गया। एंड ये लोगों को जा रहा है तो ये लोग मिलेंगे इंदौर के लिए, मनीष और मोहन। एंड जो शॉपिंग करके लेके आई, शॉपिंग करके लेके आए मबीना वाले जो मार्केट में, वहाँ मबीना मार्केट से पहुँच गए हम लोग घर के अंदर। ये लोग निकलेंगे फटाफट से, तो देखते हैं कैसा क्या होता है, ब्लॉग में बने रहिए। अभी बाकी स्लीपर पहनते हैं, नीचे उतरते हैं। बाबू यहाँ से चप्पल। ये मम्मी ने मुझे बैंगल्स भी दिलाई हैं, ये मम्मी ने मुझे चूड़ियाँ भी दिलाई हैं। चलो भाई पहुँच गए फाइनली, हम सुबह के निकले हुए हैं और शाम हो गई है। ये लोगों की 7 बजे बस है, तो ये लोग पहुँचेंगे बस पकड़ने के लिए। मम्मी हमारी खाना बनाती हैं। बड़ी मम्मी क्या बना रही? बड़ी मम्मी देखो खाना बना रही, बैगन बना रही है बैगन। बड़ी मम्मी ये धनिया कहाँ से आया? बाजार से अपना इतना सारा लगा है। इसमें रखा है मूंगफली का दाना और मुझे यहाँ पे अभी बनानी है लोगों को गुड़ पट्टी बनानी है मूंगफली की। वो मूंगफली की पट्टी बना देती हूँ एंड फिर मिलती हूँ उसके बाद, क्योंकि ये लोग लेट हो जाएंगे अगर मैं कैमरा चालू करके रखी ना। तो फटाफट से गुड़ निकालते हैं, मूंगफली को सेकते हैं एंड उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ हमारा बनाने के बाद। और ताई जी अभी गाय भैंस का करने गई हुई हैं, बड़ी मम्मी खाना बना रही, भाभी हैं नहीं, मम्मी हमारे साथ। चल बाय कर लो मौसी जी।
चलो चलो बड़े बड़े चलो हाँ बाय हैं केक लेने के लिए छोटा साइज ही निकाल लो। अरे यार ब्लैक फॉरेस्ट नहीं है क्या कोई या फिर वो अरे वो किलो में है ना ये वाला वो वाला कौन सा है वनीला बर्थडे केक आ गया हमारा बर्थडे केक जाएंगे बच्चों के पास और केक कटिंग करेंगे हम चलते हैं घर बच्चों के पास वहीं करेंगे केक कटिंग बैठते हैं घड़ी में सोना मनीष को हम लोगों ने छोड़ दिया है बस में तो लोग निकल गए भाभी ने हमको बनाई हुई है चाय आज दिन भर से ना इन लोगों को चाय नहीं मिली भाभी से आते साथ इन लोगों ने चाय बनवा ली है इन लोगों ने चाय पी ली सुबह से आज चाय नहीं मिली सुबह पी थी और शाम में इतनी भागदौड़ हो गई ना चाय नहीं मिली थी चाय पी ली है मेरे को ले आना श्याम जा रहे हो खाने चलो पता नहीं बच्चों ने गेट बंद कर दिया है मेरे को बोला तुम्हारी एंट्री नहीं है अभी नहीं आना पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर वो देखो प्रियांशु ने क्या बनाया है डीजे बनाया है डीजे लाइट है और ये साउंड है और एक केक यहाँ रख दिया है पता नहीं क्या लाइटिंग एटिंग कर रखी है ये प्रियांशु का दिमाग है सो अभी हम लोग केक कटिंग करेंगे सब लोग आ गए आंटी और आ गई हैं देखो आंटी हैं दादी हैं Yeah.
सोनम मनीष को छोड़ने के बाद फिर मैं पहुंच गई थी बच्चों के पास और वहां पे मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्योंकि ना बच्चों को इन सारी चीज़ों में ना खुशी मिलती है। सो मैंने सोचा वहीं जाती हूं, बच्चों के साथ सेलिब्रेट करूंगी अपना बर्थडे और उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और फिर हम लोगों को नेक्स्ट डे निकलना भी था, तो सोचा जाते जाते एक बार और मिल लूँगी बच्चों से, तो उनको भी अच्छा लगेगा। और वहीं पर खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग निकल आए थे गाँव के लिए। और गाँव में पता है मैं जैसे आई ना तो यहाँ पर चल रही थी रामलीला, सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड ये सब देखे ना पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जब हम छोटे थे ना तब आते थे देखने के लिए और सबसे आगे बैठते थे, जैसे कि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है आगे बैठ जाते थे, कब्जा टाइप का कर लेते थे कि यहाँ पे हम बैठेंगे, यहाँ पे हम बैठेंगे। सो बस बचपन की यादें ताज़ा हो गई। एंड काफ़ी टाइम बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड देखो गाँव में किस तरीके से रामलीला होती है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ ये पार्ट, आप लोग भी इंजॉय करना, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। एंड आज का जो डे था ना मेरा बहुत अच्छा निकला, मतलब अभी तक मैंने इतना अच्छा सा कभी एंजॉय नहीं किया जो ऐसा मेरा आज का दिन निकला है। सो खूब सारा मैंने एंजॉय किया। एंड आप लोगों ने कितना एंजॉय किया इस ब्लॉग को मुझे जरूर बताना, अच्छा लगे तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खुश रहिए, ख्याल रखिए एंड इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। आश्रम की क्या विशेषता है, यहाँ पर पशु पक्षी कलरव करते दिखाई क्यों दे रहे हैं, इसका क्या महत्व है, कृपा करके मुझे बताइए। कहिए गुरु जी।